अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब जी? आज मेरे घर में नाश्ता बन रहा है, ये देखें, इसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं और तीन अंडे हैं। तीन अंडे, इसको ही हमने अच्छी तरह पहले फेंट लेना है। इसको अच्छे से जी आप फेंटी लगा लें, दिन का जो आवाज़ फेंटी से होगा तो सारा दिन आपका रोग रहेगा, ये टोटका दिमाग देखेगा कि अंडे आप लेने हैं, अंडों को आपने फेंटी लगानी है इस तरह, तो सारा दिन घर में आपका रोग रहेगा। है तो उसके बाद जी आपने हसबे मंशा हसबे जायका जी ये देखें रेड चिलीज ये आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद जी हमने लेना है सॉल्ट, वो भी हसबे जायका जी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जाएगी चीज़ भी, और जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ज़ीरा भी इसके अंदर आप अगर डालेंगे तो ज़बरदस्त जी इसका जो टेस्ट है और जायका है वो अंडे का आपको आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जी इसके अंदर मैंने ऐड कर ली, तवा हमारा गर्म हो रहा है और ये देखें जी ऐसे अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। नमक इसके अंदर, अगर आपने चीज़ ऑमलेट बनाना है इसका तो नमक इसके अंदर कम रखें, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, ठीक है। तो इसको जी हमने ये ले अच्छे से इसको जी फेंट लिया। अब मैं चीज़ लेके आऊँ तो यहाँ जी इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, इतना मेरे ख्याल में ऑयल काफ़ी है, ठीक है। तो आग का फ्लेम करेंगे थोड़ा हम हाई, इसको तेल को जो हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे अंडे में आपने चीज ऐड की है तो इसको थोड़ा सा और हम जरा वो बनाएं चाइनीज ऑमलेट, इसमें अंदर थोड़ा सा जो आप इतना सा ओरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर करती होती हूँ, मुझे ओरिगैनो का टेस्ट भी अच्छा जी अच्छा लगता है। ये डाल के इसको भी जी अच्छे से अब हमने फेंट लेना है, ठीक है। ये साबा चीज़ें, ऑमलेट नहीं खाती, साबा इस टाइम मौजूद है तो जब मेरा जब नाश्ता बन रहा हो तो उसका बंदा, तो ये साबा के लिए जी एक अंडा फ्राई होगा, साथ उसको स्लाइस में गर्म करके दूंगी और बाद में जी हम चाय पियेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अंडा फ्राई करेंगे तो ये साबा को मिलेगा अंडा फ्राई। मैं जो पहले मैं अंडा फ्राई कर लूँ फिर मैं ऑमलेट कर सकता हूँ। जो ये ऑयल है मैंने ऑमलेट के हिसाब से डाला था, पर मुझे मुझे याद आ गया मैं तो पहले अंडा भी फ्राई करना है, मैं तो ये मैं रख लेती हूँ, स्लाइस बाद में गर्म हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग आपने मिस नहीं करना, आपको पाकिस्तान के अंदर 12 रबी अव्वल कैसे होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग यकीनन उस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। और मैं ये बताती चलूँ, मिड नाइट मेरा बेटा आया था, उसको हॉलीडे थी 12 रबी अव्वल के हवाले से, तो वो मुझे बताए बगैर आ गया, बड़ा अच्छा लगा जी अचानक उसका सरप्राइज, बड़ी खुशी हुई। तो ये जो ऑमलेट है ये उसी के लिए बन रहा है, क्योंकि उसको जो ऑमलेट मेरा हाथ का बहुत ही पसंद है मेरे बेटे को, तो सब तो होता ही कहते थे अच्छी हुई है। ये भी आ गया ऑमलेट और ये बन गया जी साबा का अंडा फ्राई। इसके ऊपर हम डालेंगे जी नमक और ये साबा को फिर मैं जब ब्रेड गर्म करूँगा तब दूंगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे जी हम रखेंगे चाय भी, इसको मतलब थोड़ा सा फैलाएंगे ताकि ये ज़रा बन जाए। घर में जी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, 12 रबी अव्वल की खुशी भी है और उसकी रौनक भी है, और घर में रौनक जी औलाद की वजह से भी होती है। तो मैं कहती हूँ जी क्या ही मज़े हैं, तो क्या ही बात है, बड़ा ही अच्छा उस टाइम भी लगा जब वो आया तो, पर मैं डरी भी। तो मेरे को पता नहीं कौन आ गया, 3 बजे के बाद 3:30 का टाइम था,
तो मैं गहरी नींद में थी जब बैल हुई ना, पर मैं रात को ना सोने से पहले सोच रही थी, मैं कि इनको दोनों को बच्चों को ईद मिलाद नबी की छुट्टियां नहीं हुई, इन्होंने कोई आने की बात ही नहीं की मेरे साथ, तो देख लें माँ के दिल में वो बात थी, वो सोच थी। तो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह बेटा आ गया, तो अभी ये बेटे साहब के लिए जी बन रहा है नाश्ता। लास्ट टाइम वो आया था कुछ दिन पहले तो मैंने सिंपल वाला आमलेट बनाया था, तो आज बन रहा है जी ये देखें चीज़ के जो स्लाइस हैं ये इसके अंदर जाएंगे, तो इसको फिर हम फोल्ड करेंगे तो ये नाश्ता बनेगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा बच्चों के साथ बैठ के नाश्ते को, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। ये देखें ये देखें ये ठीक है जी। तो पहले मेरा दिल बना मैं हलवा पूड़ी वगैरह लेके आऊँ, फिर मैंने कहा नहीं चलेगा कल, तो आज जी आया है तो इसको आते साथ बेटे को मैं खुश करती हूँ, इसको अपने हाथ का बना हुआ ऑमलेट इसको खिलाते हैं जी। तो इसको जब हम करेंगे फोल्डिंग वाली साइड पे थोड़ा सा ये देखें इसको इस तरह करके, ताकि अंदर से भी जो है ना वो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इधर कर देंगे, क्योंकि ये पिघल के बाहर की तरफ निकलना जाए। तो इसको भी बस इस तरह ही हमने हल्की आंच इसकी आपने मज़ीद कर देनी है, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से हमारी पक जाए, और इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको हम करेंगे जिस साइड पे, ये साइड पे बने। तो यहाँ पे जी ब्रेड गर्म होगी हमारी बेगम हमारी बेगम जी साबा के लिए गर्म होगी ब्रेड यहाँ पे, और ये हल्की आंच पे अंदर से पकता रहेगा। मैं ले आऊँ दूध चाय के लिए, लेकिन कुछ खुशियाँ अल्लाह की देन है तो सारी खुशियाँ अल्लाह की देन, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंसान सेलिब्रेट करके उसको मज़ीद वो खूबसूरत बना देता है। जैसे ये ईद मिलाद नबी का दिन है हमारे लिए, बहुत खुशी का, बड़ी रहमतों का, बड़ी बरकतों का दिन है, पर इंसान जो है इसको इतनी खूबसूरती से सेलिब्रेट करता है कि वो देख के एक बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा मज़ा भी आता है। एक हवाला एक चीज़ का हमारे पास है, तो बड़ा ही मुबारक हवाला है जी, वलादत का है, और उनका रसूल पाक का दुनिया से जाने का भी है, पर कई जगहों पे बड़ी मुतज़ाद चीज़ें हैं कि उनकी जो वफात है वो कन्फर्म है 12 रबीउल अव्वल, और जो उनकी पैदाइश है वो मुतज़ाद है कई जगहों पे। तो इतनी इस चीज़ की जितनी नॉलेज वो नहीं है, बस जो शुरू से बचपन से देखा वो यही चीज़ है, यही बात है, और इसी पे सारे लोग चल रहे हैं। और मुतज़ाद बातें हर किसी के पास होती हैं, हर आपको किताबें मिल जाएंगी, पर वो एग्जैक्ट एक चीज़ होती है वो अल्लाह ताला जानता है। समटाइम होता है इंसान कुछ चीज़ों पे ऐसे ही चल रहा होता है। तो ये देखें जी, ये हो गया साबा का नाश्ता रेडी, यहाँ पे बन रहा था हमारा, इसको मैं करूँगी थोड़ा सा अब इस साइड पे। ये देखें मज़ेदार सा जी कलर इसका, बड़ा ही खूबसूरत साबा नाश्ता ले ले, तो इसका जी खूबसूरत सा जी कलर आ गया, और इसको निकालेंगे जी हम प्लेट में, फिर इसकी कटिंग बाद में करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से आराम से ऐसे, ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता जी हमारा ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जी ब्रेड गरम, इधर हमने रख दिया साथ में चाय, तो इधर अब होगी जी ब्रेड की बारी। कल हम करेंगे जी देसी नाश्ता, वहाँ जाके नहीं घर लेके आऊँगी, तो घर बैठ के करेंगे। ठीक है, आज बड़े मज़े का है, आज आपको पाकिस्तान की रौनकें 12 रबीउल अव्वल की थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा बचपन भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, तो आपने जी को ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हो रही है ब्रेड गरम, ये देखें जी साबा सलाम कर रही है सबको, और साबा बहुत से लोग कह रहे हैं कि साबा हमारे लिए दुआ करनी है वहाँ जाके, सबके लिए दुआ करनी है। ठीक है ना, अल्लाह ताला जी हाँ। और ये देखें जी हमारा नाश्ता, तो इसको जी हम करेंगे इसके साथ कट, इसी के साथ ही हम
उठाएंगे, ये देखें इस तरह आपने इसको कट करना है। मैंने आपको उस दिन कट करने का तरीका भी बताया था। मोबाइल मेरे हाथ में, अब स्टैंड से जी हाथ में आ गया, तो ये देखें हमारा प्यारा सा जी नाश्ता, ठीक है। ये देखें ये ऑमलेट है मज़ेदार सा, और ये जी मेरा पूरा नाश्ता जिसको जी हम करेंगे, एंजॉय करेंगे। नाश्ता जी करके, नाश्ता करवा के और घर के बाकी काम करवा के जी मैं इस टाइम जा रही थी अपनी कुछ मेडिसिन लेने के लिए, और जो बाकी शॉप्स थी वो तो बंद थी, बट जो मेडिकल या मेडिसिन से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी ओपन थी। और यहाँ पे जी देखें जुलूस, और एक मैं कहती हूँ खुशी का माहौल था जी पूरे शहर में। ये दिन टाइम भी मैंने आपको दिखाई, ये देखें जी जुलूस जो थे वो रास्ते में से गुजर रहे थे, और बड़े पुरअमन जुलूस थे, और मतलब नाते लगी हुई थी, और बड़ा ही वो मैं कहती हूँ खुशी का एक ईद का माहौल था। और यहाँ पे जी किसी ने देगे बनवा के और शॉपर में चावल जो थे और वो बांटे जा रहे थे, गुजरने वालों को दिए जा रहे थे, और उसकी वजह से ज़्यादा पे रश भी यहाँ पर जी उसी वजह से था कि जो ये लंगर तकसीम हो रहा था वो लोग लेने के लिए रुके हुए थे। और मैं कहती हूँ बचपन एकदम से याद आ गया कि बचपन में ऐसे ही हम गलियों में निकलते थे, बाज़ारों में जाना, जब छोटे होते थे इन चीज़ों को देखना और बड़ी खुशी महसूस करनी, और ऐसे ही लगता था जैसे ईद से बढ़ के ये खुशी है, जो कि वाकई यकीनन ये ईद से ही बढ़ के खुशी थी जी। और यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मैं कहती हूँ नारेबाजी हो रही थी, झंडे लोगों ने लगाए हुए थे, और बड़ी जी ट्रैफिक भी थी, और ट्रालियाँ जो कि बचपन में भी मैं देखा करती ट्रालियों के ऊपर जी जुलूस होते थे, और यहाँ पे एक बहुत लंबा जुलूस था जो कि पूरा ट्रालियों के ऊपर था, ये देखें आपको बहुत दूर तक नज़र आएगा। तो चले इसी दौरान जी मैं आपसे बात भी करूं, कल मैंने आपको एक बात की थी कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी। मुझसे बड़े लोगों ने पूछा आप साबा को उम्रा करवा रही हैं कि आपने ख़ुद उम्रा किया हुआ, यहाँ आपको उम्रे के बारे में सब कुछ पता है? तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत दो दफ़ा हासिल हो चुकी है, मैंने दो दफ़ा जी उम्रा किया हुआ है। एक दफ़ा ही हम गए थे और वहाँ पर हमने स्टे किया था कुछ मंथ, तो उसी दौरान जी मैंने वहाँ पर दो उम्रे किए, मेरी पूरी फैमिली ने की, और अल्लाह ताला का शुक्र है जी मैंने हजराए असवद को बोसा भी दिया, और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पहुँची क्योंकि मैंने दिल में ठान लिया था कि मैंने यहाँ पे बोसा देना है। और यकीन करें तब शदीद गर्मी थी, और वहाँ जो फ़र्श था नीचे हजराए असवद की, जो नीचे जगह थी जहाँ पे हम खड़े थे, वहाँ पे ऐसे था फर्श जैसे नीचे पानी किसी ने गिराया हुआ है, कि इतना लोगों का पसीना था नीचे जो बह बह के, मतलब वो पूरा फ्लोर था वो गीला हो चुका था, और इतनी फिसलन थी वहाँ पे। बट बहुत मुश्किल से वहाँ पे गई, और वहाँ मैं औरतें थीं जिन औरतों के बीच में से मैं गुजरी, और उन औरतों के बीच में मैं फंस भी गई, और बड़ी मुश्किल से जैसे नहीं इंसान जकड़ा जाता, तो बस वो कहते ना हिम्मत और वो हौसला अल्लाह ताला देता है अगर आपकी नीयत अच्छी हो। तो बस सोचा था कि जी यहाँ से बोसा दिए बगैर मैंने नहीं निकलना, तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मुझे मौका भी मिला। और ये देखें जी झंडे कितने खूबसूरत लहर लहा रहे हैं, और एक खुशी का माहौल है। और उसके बाद जी मैं घर आई, और मुझे किसी ने जी मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था कि आज इस मुबारक दिन खुशी के मौके पे जलेबियाँ लेके बांटनी हैं, और जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं, जो यतीम बच्चे हैं या बेवा औरतें हैं या जिन बच्चों की माएँ नहीं हैं, उन घरों में, और ये जी खाना तकसीम भी करना है। चिकन पुलाव की देग थी, और साथ ये जी 10 kg जलेबियाँ थीं जो कि हमने मंगवाई, ताज़ा बनवाई ऑर्डर पे, और मैं कहती हूँ बड़ी ही मैं कहती हूँ मज़ेदार ये जलेबियाँ थीं, और खुली बिल्कुल हमने बांटी, और ये अभी बन के आई थी, अभी बाकी और शॉपर भी आने थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये देखें जी देग भी माशाल्लाह बन के साथ ही आ गई, तो आज ये हम बांटेंगे। साबा भी आ गई हुई थी, और मैं और साबा जी अब जलेबियों के और जो चावल हैं उनके पैकेट बनाएंगे, और साबा को भी घरों का पता है, कुछ घरों का मुझे भी पता है, तो उन घरों में जी ये सब कुछ भिजवाया जाएगा। ये देखें चिकन बड़ा अच्छा जी अंदर बिल्कुल खुला डुला था, हर शापर के अंदर तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ गई, चिकन ज़्यादा डलवाया था ताकि चलें हर घर में हर फर्द को एक एक बोटी तो आए। और ये जलेबियाँ देखें जी बाकी की सारी भी आ गई, और ये देखें बिल्कुल बारीक वाली और बड़े अच्छे कलर वाली बड़ी मज़ेदार जी जलेबियाँ थी, तो ये जी हम बांटेंगे। और जिन्होंने ये सब कुछ बांटा है अल्लाह ताला जी उनको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, बड़ी लोगों ने दुआएं दी और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही जी उनका हाथ खुला रखे और वो गरीबों में जी बांटते रहें, और अल्लाह ताला उनकी दिली मुरादें उनकी दुआएं सब अल्लाह ताला पूरी करे, सबकी मुश्किलात आसान हो, और अल्लाह ताला जी मैं कहती हूँ रिज़्क़े बेहिसाब उनको अता करे ताकि ऐसे ही वो गरीबों को याद रखें और उनसे जी दुआएँ लें।
तो अल्लाह ताला सबसे बड़े जो अल्लाह ताला अल्लाह की राह में दिया हुआ इंसान का कबूल करे, ये एक सबसे बड़ी नियत होती है और दुआ होती है। तो यहाँ पे जी कुछ जो वो आए थे देख छोड़ने वाले, वो भी गरीब थे, उनको भी कुछ दिया कि चलें, वो भी मज़दूर लोग हैं, उन्होंने भी पूरी दिन मज़दूरी करनी है, उनको जलेबियाँ भी डाल के दी, उनको चावल भी दिए। तो मैंने साहबा से कहा कि पहले हम शापर बना के रख लेते हैं, फिर इन सबको चारपाई पे रख के, तो इनके अंदर एक एक पैकेट हम जलेबियों का बना के रखेंगे ताकि कोई पैकेट रह ना जाए या कोई घर ना रह जाए कि जहाँ पे जलेबियाँ ना आ जाएँ। तो मैंने कहा साथ साथ जोड़ के रखने की बजाय बेहतर है कि इनको ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इनके अंदर एक एक पैकेट हम जलेबी का बना के तो वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये जो दिन होता है जी 12 रबीउल अव्वल का, मैं कहती हूँ इस दिन बड़े लोग जी पकवान बनाते हैं, नान हलवा लोग बांटते हैं, मीठी चीज़ें लोग बांटते हैं, क्योंकि खुशी होती है ना, जैसे हम कहते हैं खुशी पे इंसान मीठा बांटता है, जैसे किसी के घर बेटा पैदा हो या बेटी हो तो जलेबियाँ बांटते हैं। हमारे अबू हमारी हर बहन की पैदाइश पे तो हमारे अबू ने जलेबियाँ बांटी थी, भाइयों की पैदाइश पे लड्डू बांटे थे। तो ये खुशी का एक मौका होता है, इसमें आप जितनी इस्तात रखते हैं लोग जी उतना वो लोग करते हैं, और हर घर से मैं कहती हूँ पकवानों की खुशबुएँ आती हैं और एक दूसरे को जी खाना भिजवाया जाता है, रिश्तेदारों के घर चीज़ें भिजवाई जाती हैं। देखें जैसे ये साहब आप कर रही है, हमने सारे चावल के जी पैकेट बनाए, उसके बाद ये देखें जलेबियाँ थी, इनको ट्रे में हमने रख दिया था, और इस तरह शापरों के अंदर ही हमने जलेबियाँ डाल के, क्योंकि आज छुट्टी थी तो डब्बों का मैंने पता करवाया, डब्बे नहीं मिले, क्योंकि जो देख का था वो भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऑर्डर थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपको बता देंगे, तो जब उन्होंने बताया तब तक वो शॉप जो डब्बों वाली थी वो तो फिर ऑन नहीं थी। ये शुक्र है मेरे घर बिल्कुल एक बंद पैकर शॉपर का पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, कभी ज़रूरत इंसान को पड़ जाती है। तो इसी तरह फिर हमने जी चावल भी डाले और जलेबियाँ डाली, और साहबा के ज़िम्मे मैंने लगाया कि अब ये बाकी काम तुम करो, क्योंकि जलेबियाँ मैंने डाल दी थी, मैं कहा ये कोई शापर ना रहे और हर शापर में जानी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया अगेन उनका जी जिन्होंने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया, मुझे इसका वसीला बनाया। अल्लाह ताला सबको जी इसका अजर दे, सवाब दे, सबकी नियतों का जो फल अल्लाह ताला उनको अता करे। अपनी पूरी नियत से काम किया, इसमें साहबा का हिस्सा भी हो गया, साहबा की एफ़र्ट भी इसके अंदर हो गई। तो अल्लाह ताला जी हर किसी की जो इसमें हेल्प है अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह ताला जी ऐसे ही मैं कहती हूँ इंसान को देने वाली साइड पर ही रखे। तो यहाँ पर जी अभी ये शापर सारे हमारे बंद हो रहे थे, और आगे मैं आपको जी दिखाऊंगी, थोड़ी सी मैंने पहाड़ियाँ थी वो भी मैंने कैप्चर की थी, एक बचपन का माहौल था, मैं कहती हूँ मैं उसको आज भी उस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि पहले जो माहौल था वो अब नहीं है, दौर बहुत बदल गया, ज़माना बहुत बदल गया। पहले जैसे एक मोहल्ला एक घर की तरह होता था, मतलब आप इजीली आराम से बाहर चले जाना, अब वो ज़माना नहीं है। अब तो जी बाहर निकलो सबसे पहले मोबाइल छीना जाएगा, आपका पर्स छीना जाएगा। यहाँ जी साबा शापर लेके जा रही थी बांटने के लिए, एक शापर बाजी मैं दे दे, मैं क्या भाई मैं आख नहीं। बचपन और बचपन की यादें, तो उन यादों में से जी एक याद ये बचपन की पहाड़ियां हैं। तो यकीनन ये जी मेरे जैसे हैं जिनका बचपन इन चीज़ों में गुजरा, उन सबको ये चीज़ें याद बहुत अच्छे से होंगी, कि हर घर से खिलौने इकट्ठे करने, बजरी को कलर करना, लाइटिंग करनी, और जो रेलवे स्टेशन के पत्थर होते थे उनको उठा के जी कलर करना, और पूरे मोहल्ले में से जी खिलौने इकट्ठे करने, और जो ये सब अरेंज कर रहा होता था वो मैं कहती हूँ उस टाइम का मिनिस्टर गली का होता था, और वो जी बड़ी उसकी टोर होती थी, ये पहाड़ियाँ ये लगा रहे हैं या ये गली वाले अरेंज कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा, बड़ा जी मज़े का माहौल होता था, जैसे पूरा मोहल्ला एक घर होता था। तो ऐसे ही मुझे एक पहाड़ी नज़र आई जहाँ बच्चों के खिलौने थे, और मेरे ख्याल में पूरी गली के बच्चों ने अपने खिलौने इकट्ठे करके यहाँ पे दिए हुए थे, और ज़्यादातर जो जमघटा यहाँ पे बच्चों का ही होता है। तो ये जी एक बचपन की खूबसूरत याद थी जो मैंने आपके साथ शेयर